और इधर सूरजपाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है एक शख्स। आगरा का ये शख्स बताया जा रहा है जो लगातार धरने पर बैठा हुआ है और गिरफ्तारी की मांग भी कर रहा है। आगरा में सूरजपाल का एक घर भी बताया जा रहा था जहां बहुत पहले सूरजपाल गया था। काफी लंबे अरसे से वो वहां नहीं गया लेकिन लोग अभी भी वहां जाकर मत्था टेकते हैं, जो सत्संग सुनते हैं सूरजपाल का और नारायण साकार बाबा का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो शख्स धरने पर बैठा हुआ है और मांग कर रहा है कि इस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। तो तस्वीरें आपको आगरा से दिखा रही हैं जहां पर ये शख्स मांग कर रहा है कि जो भी हाथरस में हुआ घटनाक्रम हुआ, 121 लोगों की मौत हो गई इस पूरे मामले में, अब नारायण साकार बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसको लेकर देखिए पोस्टर भी उसने अपने साथ पीछे लगाया हुआ है जिसमें लिखा है भोले बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कब तक होगी, पूछ रहा है ये सवाल और धरने पर बैठा है ये शख्स। देखिए हाथरस हादसे को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है और इसी बीच खबर ये मिल रही है कि दो और जो आयोजक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास जिम्मेदारी थी आयोजन उन्होंने इनकी तरफ से फिलहाल करवाया गया। इसके अलावा ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब स्प्रे वाली थ्योरी भी सामने आ चुकी है। जहरीली स्प्रे थ्योरी क्या है, आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, तमाम सवाल खड़े होते हैं लेकिन जाँच जारी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट अपडेट्स के साथ। पहले सत्संग स्थल पर बद इंतजामी वाली बात, फिर चरण रज वाला तर्क, अब जहरीला और नशीला स्प्रे वाली थ्योरी। हाथरस हादसे को हुए एक हफ्ता होने जा रहा है, इसे लेकर रोज एक के बाद एक नई थ्योरी सामने आ रही है लेकिन बाबा साकार है कि सामने नहीं आ रहा है। हाँ, घटना के बाद उसका एक बयान जरूर सामने आया है, बाबा का अंडरग्राउंड होना और नई थ्योरी सामने आना कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बाबा साकार के वकील एपी सिंह बाबा को पहले निर्दोष बता रहे थे, फिर साजिश के तहत हादसे की बात कही और अब दावा कर रहे हैं कि सत्संग में नशीला और जहरीला स्प्रे किया गया जिसकी वजह से हादसा हुआ है और उनके पास वो गवाह भी हैं जिन्होंने इस पूरे वाक्य को देखा है। 15-16 युवक बहुत अच्छे मजबूत हाफ पैंट ज्यादातर पहने हुए थे, कुछ ब्लैक हाफ पैंट भी पहने हुए थे, ब्लैक थे, तो वो उन्होंने इस तरह से ऐसे पानी की जैसे बोतल रख पकड़े होते हैं ऐसे उन्होंने स्प्रे ये पूरा करके रखा हुआ, हाथ में दबा छुपा रखा था, एकदम इस तरह से स्प्रे करते हुए सीधे इस तरह से भागते चले गए और यही क्रम सबने किया और जिस महिला ने भी एक बार सांस ली वो गिर गई। वकील के इसी दावे को अलीगढ़ के वो पीड़ित झुठला रहे हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। अपनी माँ को खो चुके जितेंद्र का कहना है कि स्प्रे जैसी कोई चीज उन्होंने देखी ही नहीं बल्कि बाबा पर ढोंगी और अंधविश्वास होने का आरोप लगाया। स्प्रे थे क्या, आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा कि स्प्रे था, कुछ छिड़काव हुआ, स्प्रे मारा, कुछ ऐसा आपने उस समय देखा? देखिए ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था स्प्रे वगैरह, और जहाँ पे खासकर जहाँ पे महिलाएं थी जिस साइड में उस साइड में जेंट्स नहीं जा सकते, लेकिन खासकर अगर कोई स्प्रे वगैरह होता तो महिलाओं पे ही क्यों होता, जेंट्स भी तो थे वहाँ पे, जेंट्स भी तो उसी में निकल रहे थे, तो ऐसा स्प्रे का वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। कोई लड़के नहीं थे, नहीं, काले कपड़े निक्कर पहने, गमछा ओढ़े इस तरीके से? नहीं 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 नहीं, स्प्रे वगैरह की कोई वहाँ पे कैसी भी खुशबू वगैरह नहीं थी। अगर हादसा साजिश और जहरीले स्प्रे के कारण हुआ तो सवाल है कि बाबा अब तक सामने क्यों नहीं आया, बाबा ने आरोपियों के नाम क्यों सार्वजनिक नहीं किए, क्यों बाबा पुलिस के सामने नहीं आया और क्यों हादसे के बाद घटनास्थल पर नहीं रुका। लेकिन जब से स्प्रे वाली थ्योरी सामने आई है अलीगढ़ के उन लोगों के सुर बदल गए हैं जो पहले बाबा के खिलाफ थे, कार्रवाई की बात कह रहे थे, वो अब बाबा को पाक साफ बताने लगे हैं। पत्नी की इसमें दुखद मौत हुई, 6 साल का मासूम बच्चा, किसको कसूरवार आप मानते हैं कि कौन कसूरवार है? भैया देखो कसूरवार वो तो अपना सत्संग समापन करके चले गए, उनके जाने के बाद में जो ढक्का रेला जो लगे वो कभी मैंने आज तक मैंने सत्संग बहुत करे हैं ग्वालियर ग्वालियर हर जगह चला जाता हूँ, मुझे जब टाइम मिलता था पर कभी ऐसे रेला नहीं लगे। अच्छा, और ना और तुम ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे अगर इतनी मौत हुई है, अगर गिरेंगे दबेंगे किसी का हाथ टूटेगा किसी का पैर टूटेगा, कोई किसी के कोई ऐसी खास चोट नहीं थी बिल्कुल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में एक पीड़िता ने बताया कि हादसे के वक्त वो बेहोश हो गई थी और उसे होश में लाने के लिए कुछ लोगों ने उस पर पानी डाला था। देखा था उन लड़कों को? नहीं, मगर भीड़ में उनका चेहरा नहीं आया सामने,
मगर वहाँ पे बहन भैया चिल्ला रहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, हम इनके ऊपर पानी का छिड़का दे रहे हैं, पानी के लिए तरी कर रहे हैं इनके लिए। ये कब हो रहा था, भगदड़ से पहले या भगदड़? नहीं नहीं नहीं, भगदड़ के बाद में, वहाँ में ढक्कई में। अच्छा, भगदड़ के बाद किसी ने पानी सा डाला? हाँ हाँ, बाद में सबरे बाद में जब भगदड़ हो रही, भगदड़ में गट्ठा में हम एकदम टंग गए वहाँ पे, जो वहाँ पे जो मट्टी हुई है वहाँ तो भैया डाली है ये। अब सवाल है कि महिला पानी डालकर होने में लाने की बात कर रही है तो कहीं उसे ही एपी सिंह ने स्प्रे वाली थ्योरी तो नहीं गढ़ दी, और क्यों अचानक से पीड़ितों के सुर बदल गए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बता दें, भगदड़ कांड में रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, सेवादार मधुकर के लेटर से बड़ा खुलासा हुआ है। मधुकर ने ज्यादा भीड़ की संभावना जताई थी, 80,000 से ज्यादा भीड़ का अनुमान जताया गया था। मधुकर ने हाथरस डीएम को लेटर लिखा था, मधुकर का लेटर सामने आने से अब प्रशासन फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये रिपब्लिक भारत पर इस वक्त बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, लेटर जो लिखा गया उसके जरिए इस बात का सुमित अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया कि प्रशासन को जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी, लेकिन अब इस लेटर का जिस तरीके से सामने आना, सवाल अब प्रशासन पर भी खड़े कर रहा है। जतिन हमारे सहयोगी साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, पहले ये कहा गया प्रशासन को जानकारी नहीं थी, लेकिन ये लेटर का सामने आना कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़े करता है, प्रशासन ने क्या लापरवाही इसमें बरती? आज बिल्कुल देखिए, ये एक्सक्लूसिव लेटर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो लेटर है जो देव प्रकाश मधुकर, जो इस पूरे सत्संग का आयोजक था, उसने जिला प्रशासन को दिया, हाथरस जिला प्रशासन को दिया, और इसमें देव प्रकाश मधुकर लिख रहा है कि 80,000 से ज्यादा लोगों की आने की भीड़ है, लेकिन पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, वहां पर सिर्फ 80 जवान ही दिल्ली जो एक तरीके से यूपी पुलिस के वहां पर डिप्लॉय किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें भी इस लेटर का जिक्र साफ तौर पर है। प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी गई थी कि 80,000 से ज्यादा लोग इस पूरे इवेंट में आने वाले हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से वो इंतजाम नहीं किए गए जिस तरीके के इंतजामों को किया जाना था। और भी चौंकाने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे इवेंट में 1200 के आसपास बसें श्रद्धालुओं से भरकर पहुंची थी। जिस जगह हाथरस में ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जैसे हम हाईवे पे मौजूद है, सामने आप खेत देख रहे हैं, हाईवे से ठीक सटा हुआ वो खेत है, और जिस तरीके से बसेस वहां पर खड़ी हुई तो तमाम जो व्यवस्था थी हाईवे की उस दिन अस्त व्यस्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी अब सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं, खड़े होते हुए लिहाज से नजर आते हैं कि 80,000 से ज्यादा लोगों के आने की जब शंका आयोजक खुद जता रहा था तो प्रशासन ने उस सर्च पर एक तरीके से जो इंतजाम है वो क्यों नहीं किए गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ज्यादा जानकारी और डिटेल में जानकारी उन्हें नहीं दी गई। SIT और खास तौर पर जो जुडिशियल आयोग है, न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो इन पहलुओं पर भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और कल जब हमने न्यायिक आयोग के जो मेंबर थे उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके रडार पर पुलिस वाले तो है ही, लोकल लोग और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले और जितने भी लोग हैं उन सभी को नोटिस सर्व किया जाएगा और उनसे इस बारे में सवाल जवाब जो है वो किया जाएगा, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट इस ओर इशारा कर रही है कि जिस तरीके के इंतजामों को किया जाना चाहिए था। इस वक्त फिर क्या किया इससे पहले, ये क्योंकि कहा जा रहा था कोई जानकारी नहीं थी, सही जो है नंबर्स नहीं बताए गए, तो LIU ने उसके बाद क्या किया ये भी सवाल बनता है। और एक थ्योरी जो ये बार बार यहां पर कही गई कि खुद ही जिम्मेदारी सेवादार वहां पर संभालते हैं, वो पुलिस को वहां पर किसी भी तरीके का कोई वीडियोग्राफी वहां पर नहीं कर सकता है, ये तमाम जो थ्योरीज हैं फिर इनका क्या होगा? आज बिल्कुल देखिए, ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। अमूमन क्या होता है कि कोई भी सत्संग या कोई बड़ा इवेंट होता है तो पुलिस क्या कहती है कि आप अपने वॉलंटियर्स को भी डिप्लॉय करें। इस केस में भी ऐसा किया गया, हालांकि इसमें हम बाबा या आयोजक को पूरी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पुलिस जो चाहे वो 80 जवान वहां पर थे, जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पंडाल में जाने की कोशिश करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। जो सेवादार एक तरीके से बाबा की जो पिंक आर्मी है वो उन्हें रोक देती है और ये कहकर रोक देती है कि हम व्यवस्था संभालेंगे। लेकिन हुआ क्या, भगदड़ मछली शुरू हुई तो सबसे पहले बाबा की आर्मी वहां से भागी। हमने अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाया कि कैसे जो हाईवे पे महिलाएं जो है वो पिंक ड्रेस पहनी हुई है और सबसे पहले वो निकल जाती हैं और सबसे आगे चरण रज लेने के लिए महिलाएं ही सामने पहुंची। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया। SP हाथरस से जब हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात को इशारे में साफ कर दिया था कि पुलिस लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लोकल सेवादार हैं, चाहे बाबा की आर्मी बोल लीजिए, पिंक आर्मी बोल लीजिए, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मिसमैनेजमेंट बिल्कुल था, डिप्लॉयमेंट पुलिस
पुलिस की तरफ से कम था। इस बात को लेकर प्रशासन भी सवाल जवाब के घेरे में है कि किस तरीके के इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन जो जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सेवादारों ने अंदर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जाने नहीं दिया। SDM मौके पर मौजूद थे, आप इस बात से समझिए कि जिस समय ये पूरा हादसा हुआ, भगदड़ हुई 2 जुलाई को, SDM लोकल वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ये चिट्ठी है, जैसा कि उसमें दावा करते हुए नजर आ रहा है कि प्रशासन को हमने ऑलरेडी बता दिया था कि 80,000 से ज्यादा लोग वहां पर आने वाले हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि एंट्री एग्जिट पॉइंट आपकी तरफ से ठीक नहीं रखे गए, आपने एंट्री एग्जिट पॉइंट रखे नहीं थे, वॉलंटियर्स आपने नहीं रखे थे, बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे जो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए था लेकिन आपने उस बात का ख्याल नहीं रखा। आज बिल्कुल देखिए, कोई भी इवेंट होता है उसको लेकर पूरा एक रोड मैप दिया जाता है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि परमिशन लेटर जो दी गई उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी जो है वो दी गई, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं था। हमने उस टेंट वाले से बात की जिस टेंट वाले ने इस पूरे इवेंट के अंदर जो पंडाल लगाया था। आप ये देखिए कि परमिशन लेटर में 80,000 से ज्यादा लोगों के आने की आशंका है लेकिन टेंट लगाया गया मात्र 60,000 लोगों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो आयोजक है वो इसी दृष्टिकोण से सवालों के घेरे में गिर रहे हैं। और घिरने का एक तरीके से सबूत पुलिस के पास यही है कि आपकी जो आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए, जो इंतजाम आपको करने थे वो आप नहीं कर पाए। आप खुद बोल रहे हैं 80,000 से ज्यादा लेकिन टेंट आप लगाते हैं सिर्फ 60,000 का, तो कहीं ना कहीं सवाल पर देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि प्रशासन की लापरवाही, बाबा की लापरवाही, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और अब इस चिट्ठी पत्र के आने के बाद और भी ज्यादा सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।